कम टाइम का ही होने वाला है, 1 घंटे के अंदर ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप सभी लोग के सामने स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5 स्टेप्स टू सक्सेस, 5 स्टेप्स टू सक्सेस। अब यहां पर इसको लेकर मैं बार बार प्रतिदिन इस हेडिंग को जरूर दिखाता हूं। एक फाइव स्टेप्स टू सक्सेस, पहला लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुनने में आता है कि सर मुझे तो ये बेसिक चीजें मालूम है। देखिए क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस यहाँ के अंदर जी, ये जो संबंधों का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और हमें पैसा मिलता है लोगों को मैनेज करने का, तो यहाँ पर हम चाहे पहले से कितना भी नॉलेज रखते हो, लेकिन यहाँ पे सफल होने के लिए, डायमंड बनने के लिए, क्राउन बनने के लिए बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है। ऐसा लोगों को लगता है, ये वहम है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा किसी बहुत गहरे साइंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा ऐसे फार्मूलाज होते होंगे जिसको फॉलो करने से लोग सफल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चंद कुछ बेसिक्स हैं, छोटी छोटी आदतें हैं जिसको अगर नियमित करते हैं, हम अच्छे से करते हैं, तो धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो सफलता है वो हमारे बेसिक्स में ही छुपी हुई है, छोटी बातों में ही छुपी हुई है। बस बातें छोटी होती हैं, लेकिन उसको अगर हम सही तरीके से फॉलो करते हैं तो परिणाम बहुत बड़ा होता है। तो 5 स्टेप सक्सेस के अंदर जो इसको हमें मास्टरी करनी है, हम सभी ट्रेनिंग नहीं भी लेते हैं तो भी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारी नई चीजें मिलती है। और प्रतिदिन अगर आप लोग मीटिंग में आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सालों का जो हमारा अनुभव है, हमारे महागुरु का अनुभव है, और हम सारे लोगों का जो सीनियर्स का अनुभव, आपको इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको सीनियर लीडर्स का जो चीजें मिल रही है, मैं मानता हूं कि सारी चीजें आपको दिमाग में याद नहीं रहेंगी, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर क्लिक करेंगी, जरूर रियलाइज कराएंगी, और जरूर कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन के कुछ दरवाजे खोल देंगे। कल हमारे एक सीनियर लीडर ने बताया कि सर मुझे लग रहा था कि मेरे जो है कुछ लेग अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ लेग कम काम कर रहे हैं, लेकिन कल की आपकी मीटिंग से सर मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर आपने जो जो है कुछ अप्रोचेज के बारे में, 7 वे अप्रोचेज के बारे में, अप्रोचेज के 7 रास्ते के बारे में बताया, उसमें जो सबसे लास्ट में 6वां या 7वें नंबर का जो रास्ता था आपका रेफरेंस, वो सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आज से प्रयोग करना शुरू किया और रिजल्ट भी मिलने लगा। मतलब कि मैं डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को अप्रोच करता था, लेकिन आपने बताया कि कुछ अपने रिश्तेदारों से, कुछ अपने परिचितों से जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनसे रिफरेंस ले लो, उनसे पूछ लो कि आपके सर्किल में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो महत्वाकांक्षी हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, 15-20-25 हज़ार रुपया कमाना चाहते हैं। और मैंने कुछ लोगों से बात की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिल गए, और वो लोग जिनको मैंने पूछा वो लोग मेरी मदद भी कर रहे हैं उनको ज्वाइन कराने में। तो ऐसे ही प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी जिससे कि आपके बिजनेस में हेल्प होगा। ये 1 घंटा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको पहले से आ रही है तो भी अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम डुप्लीकेशन का है, हमें आ रही है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हमारी टीम को कितनी आ रही है, आगे हम स्लाइड्स में बात भी करने वाले हैं। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स हैं जो आज थोड़ा बहुत 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, समाज की नजर में वो सफल हैं, लेकिन वो तो कमा रहे हैं, लेकिन उनकी टीम में बहुत ज्यादा लोग नहीं कमा रहे हैं, उनकी टीम के बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 2-4-5 लाख के प्योर तो लो रहे हैं, लेकिन टीम के लोग नहीं कमा रहे हैं। तो हमारा जानना जरूरी नहीं है, बेसिक्स को केवल हम ही फॉलो कर रहे हैं सिर्फ ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे पास नोट्स होने चाहिए, हमारे पास कंटेंट भी होना चाहिए, हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए जिससे हम भी अपनी टीम के लोगों को बता सके, हम स्वयं ट्रेनिंग दे सके। अगर आपको आता है तो उस हद तक आना चाहिए जिस हद तक आप इसको समझा सकें, आप मेरी जगह पे बैठकर आप अपनी जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दे सके, आप इस नजरिए से मीटिंग को देखिए। मैंने कई बार इस तरह इस टॉपिक के ऊपर बात किया है, लेकिन फिर भी आज बात करना था तो मैंने रिवीजन किया, मैंने 1 घंटा इस स्लाइड्स के ऊपर समय दिया, मुझे मालूम है मुझे करना पड़ा क्योंकि ताकि कोई चीजें मिस ना हो जाए, मैं अच्छे से अच्छी तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें डिलीवर कर सकूं। तो आप में भी ज्यादा से ज्यादा अगर इसको नोट्स में अपने तरीके से बनाएंगे तो आपकी टीम को ट्रेनिंग देने में काम आएगा। और जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते कि आप अपनी टीम की खुद की जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर आप इस सारी बातों को ट्रेनिंग दे सकें, तब तक समझिए कि आपको मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है, या तो सीखिए या सिखाइए।
आगे बढ़ते हैं, फाइव स्टेप टू सक्सेस लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। हमें लिस्ट बनानी है और किन लोगों को प्लान देना है, किनको कस्टमर बनाना है, उनका सिलेक्शन करके उसके बाद काम करना चाहिए, जो जो कि हम लोग मीटिंग कर चुके हैं, 3 दिन लगातार इस टॉपिक पे बात किया था। और सेकंड टॉपिक जो हमारा चल रहा है, अप्रोचिंग योर लिस्ट एंड सिक्योर अपॉइंटमेंट। अपने लिस्ट को अप्रोच करना यानी कि इन्वाइट करना, अपॉइंटमेंट लेना उनको प्लान देने के लिए। अब आज का जो हमारा सेशन है, फाइव स्टेप टू सक्सेस 596 एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, सारे नेटवर्क मार्केटियर इसी को फॉलो करते हैं। तो फाइव स्टेप टू सक्सेस के अंदर जो सेकंड है, वो सेकंड का सेकंड पार्ट आज हम लोग सीखेंगे। और ये जो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसका नाम क्या है, 9 स्टेप सिस्टम टू सिक्योर अपॉइंटमेंट विदाउट स्पॉइलिंग रिलेशनशिप। बिना आपके जो भी परिचित हैं, हॉट एंड वार्म प्रोस्पेक्ट जो कि कल हमने बात किया, उनसे बिना संबंध खराब किए हम किस तरीके से 9 स्टेप को फॉलो करके हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, अपनी मीटिंग को प्लान को सुनने के लिए तैयार कर सकते हैं। बिना रिलेशनशिप खराब किए आपका रिलेशन भी मेंटेन रहेगा और आप बेहतर तरीके से उनको इनवाइट करके आप अपने प्लान को शो भी कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ चीजों बेसिक्स को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। इन नेटवर्क मार्केटिंग वी डू नॉट डू ग्रेट थिंग्स बट वी डू थिंग्स डेट आर डुप्लीकेबल। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें कुछ नायाब, कुछ अलग, कुछ अजूबा नहीं करना होता। यहाँ कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, बस हमें वो चीज करनी होती है जो सब लोग कर सके, जो डुप्लीकेबल हो, यानी जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल सरल, बिल्कुल चीजें बात कर रहे हैं जो पहले से आप लोग कर रहे हैं। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको हो सकता है कि ये जो स्लाइड्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, शायद आपको लगता होगा कि ये थोड़ी इंग्लिश में है, लेकिन जो भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूँ, चूंकि मैं सही मायने में कहूँ तो मेरी भी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने इंग्लिश में सीखा था, मैंने जहां भी ट्रेनिंग लिया इंग्लिश में सीखा था, मेरे पास नोट्स इंग्लिश में है, तो मैं उसको समझ पाता हूँ, मेरे लिए वो थोड़ा इजी है। तो यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से मैं जो बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स होते हैं बड़ी आसानी से आप समझ पाते होंगे, अपनी प्रैक्टिकल जो आप काम कर रहे हैं उसे रिलेट कर पा रहे होंगे, आप कहाँ बेहतर हैं, कहाँ बेहतर अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे और बेहतर करने की जरूरत है, कौन सी चीजें मिस हो रही हैं, ये बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और जब आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो सुधार की गुंजाइश भी बिल्कुल होगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम छोटे छोटे ऐसे काम करते हैं जो हर आदमी कर सके, वही काम करके यहाँ पे सफलता पाई जा सकती है, उसी काम को हमको करना होता है। तो यहाँ पर वही बात है कि केवल हमें आता है ये बड़ी बात नहीं, हम डिसिप्लिन्ड हैं, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं, हमारी टीम में कितने लोग करते हैं, 100% तो लोग कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने लोग हमारी टीम में करते हैं, हमारा पेआउट अच्छा है, ये गर्व की बात नहीं है, हमारी टीम में पेआउट कितने लोगों का अच्छा है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा, पिछले महीने की क्लोजिंग में 31 जनवरी को जो आज से 5 दिन पहले क्लोजिंग हुई है, मुझे मेरा हमारा जेपी सर का, महागुरु का जो क्राउन फैक्ट्री है, नो डाउट खुशी की बात है, 2 लाख का पेआउट क्रॉस हमने किया है, हमारा टारगेट था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यकीन मानिए, दिल से बोल रहा हूं, इससे ज्यादा खुशी हमें इस बात को लेकर हुई कि दिसंबर महीने की क्लोजिंग में हमारी टीम में करीब 55 ऐसे लोग थे जिन्होंने 3,000 से ज्यादा रुपया कमाया था। हमारी टीम में दिसंबर महीने में 55 ऐसे लोग थे जिन्होंने 3,000 रुपए से ज्यादा की इनकम की थी। अपने लाइफ को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के द्वारा, डॉक्टर नेचर परिवार के द्वारा, मैं अपने आप के ऊपर गर्व होता है, इस इंडस्ट्री के ऊपर, अपने आप के ऊपर गर्व महसूस होता है कि आज मैं दुनिया का कोई दूसरा काम कर रहा होता तो सिर्फ अपना भरण पोषण कर रहा होता, लेकिन दिसंबर महीने में 55 लोगों के घर में 3,000 रुपए से ज्यादा, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 8, किसी को 12, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 1 लाख भी आया। और यकीन मानिए, पिछले महीने अभी कुछ बैनर पोस्टर्स लगभग रेडी हो गए हैं, कल की मीटिंग में वीडियोज भी चलेंगे, आपको सारे पोस्टर्स भी देखेंगे। हम ओवरऑल कंपनी में तो ज्यादा होंगे, केवल हम अपनी टीम की अगर मैं बात करूं तो 72 लोग, मतलब पिछले महीने में जहां करीब 55 लोग थे, इस महीने में 72 ऐसे लोग हैं, 72 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3,000 से ज्यादा का पेआउट लिया है, 3,000 से ज्यादा का पेआउट। तो इस बात की गर्व होती है, इस प्लान के ऊपर जो है हमें बिल्कुल प्राइड फील होता है कि ये प्लान ऐसा है। और किस तरीके से शुरुआती दौर में, जबकि कंपनी को मात्र अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने मतलब 5.5 महीने हुए हैं, और शुरुआती लेवल के अंदर इतना शानदार डिस्ट्रीब्यूशन,
कि इतने कम टर्नओवर में, जिसमें मुझे 2 लाख मिला और उसी टर्नओवर में से मेरी टीम में से 71 लोगों को, 3,000 से नीचे कमाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन 71 लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम में 3,000 से ऊपर जिन्होंने कमाया, जिसमें से लाख 50,000 25,000 वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है और हमें चीजें अच्छी लगती हैं कि आज हम जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, हमारे बीच में हम बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो जिनका कुछ अच्छा लेवल हो गया, अच्छी इनकम बन रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी अब पहुंच रही है, जो आने वाले दिन में हीरो हम बनेंगे और हम सभी लोगों को जो है इस पूरी कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी जो आज का जो टॉपिक है, जो ट्रेनिंग है। सबसे पहला स्टेप, कुल मिला के 9 स्टेप्स को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम बेहतर से बेहतर अपॉइंटमेंट कैसे ले सकें, इनविटेशन कैसे ले सकें, जिससे कम लोग टालें, कम से कम लोग ना बोलें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी मीटिंग में आएं। जैसे कि कल मालूम है, कल रात 8:30 बजे एक बहुत ही शानदार सेशन हम लोग का होने वाला है। कल रात 8:30 बजे हम लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है, जिसमें टेस्टिमोनियल्स भी चलेंगे, जो हमारे लीडर्स जो पैसे कमा रहे हैं, ऐसे कुछ चंद लोग अपनी अनुभव भी शेयर करेंगे कल के सेशन में। कल जो है लगभग 1.5 घंटे की जो मीटिंग होगी, बहुत सारी चीजें उसमें शायद लॉजिक्स कम होंगे लेकिन मोटिवेशन बहुत होगा। अगर कल के मीटिंग में आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं, कल की मीटिंग में अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं, तो यकीन मानिए आपकी टीम में जो भी नए लोग जुड़े हैं या जो उन लोगों को भी आप जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो कल की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है और किन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है लोगों को इनवाइट करने के लिए, जूम मीटिंग में लेकर आने के लिए, वो आज ही हम लोग बात करने हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस स्टेप्स का ध्यान रखकर आप चाहें तो कल की कल 10, 15, 20, 25 लोगों को आप जूम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। और उनमें से अगर कुछ लोगों ने सीरियसली सुन लिया, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करिए और उनको इन्वाइट करिए, तो आपका बिजनेस कई गुना ग्रोथ हो सकता है। सबसे पहला स्टेप, गेट इंटू पॉजिटिव एंड इम्पावरिंग स्टेट। सबसे पहली चीज, भले हम उनको फोन पे इनवाइट करने जा रहे हैं या आमने सामने हमारे आस पड़ोस के लोग हैं इनवाइट करने जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, हमने जब सो द प्लान को लेकर 5 दिन की मीटिंग की थी, तो उसके अंदर जिसका यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इस बात पे जोर दिया था कि आपका जो स्टेट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जब आप इस काम को जब व्यक्त करते हैं, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, जब लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, चाहे फोन पे कर रहे हैं या आप आमने सामने कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। आप सोच क्या रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है। तो गेट इनटू पॉजिटिव एंड इम्पावरिंग स्टेट। कभी भी अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी दुविधा में हैं, आप थोड़े से रिलैक्स कर लीजिए, कभी भी लोगों से इंटरेक्शन मत करिए। इंटरेक्शन तभी करिए, भले ही आपको फोन पे ही लोगों को इनवाइट करना है, जब आप अच्छे इमोशनल स्टेट में हो, आप अच्छा फील कर रहे हो। आप सभी लोगों को मैं जरूर एक बताना चाहूंगा, आप सभी लोग इस बात को मानेंगे, आपने अनुभव किया होगा, जब आपको ये पहली बार जब ये प्लान मिला, या कई बार जब आप नया 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 जब कोई काम स्टार्ट करते हैं, उस समय का जो चेहरे का जो लाइट होता है, कोई चीज, कोई नई नई गाड़ी आपके घर में आती है, उस समय की एनर्जी लेवल जो आपकी होती है, आपके घर में जब कार आती है तो कितना साफ सफाई का है कि स्क्रैच भी, एक लाइन भी अगर कहीं गाड़ी पे अगर खिंच जाए तो तकलीफ होती है। लेकिन 2-4-6 महीने बीतने के बाद जो है हम बहुत सारी चीजें इग्नोर करने लगते हैं। हम जब इस कंपनी को ज्वाइन किए थे, जब शुरुआत में जो एनर्जी लेवल होता है ना, कोई मध्य जैसा लगता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है, बस पूरी दुनिया को ज्वाइन करा देना है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव इंपावरिंग स्टेट में, इमोशनल स्टेट में, थॉट प्रोसेस जो हमारा सोचने का है, इसको रखकर अगर हम प्लान करेंगे या लोगों को इनवाइट करेंगे, तो रिजल्ट देखिए, ये चीजें ट्रांसफर होती है, रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, स्टेट इज एज इंपॉर्टेंट एज द कंटेंट। जिस तरीके से आप जो बात बोल रहे हैं, जो बोलने वाले हैं, जो चीज बोलकर उनको इनवाइट करेंगे कि ये चीज है, ऐसी चीज है, इतनी महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए आप 1 घंटे का समय निकालकर जूम सेशन को अटेंड करिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप बोलते समय आप सोच क्या रहे थे। क्या आप ये सोच के बोल रहे थे कि ये ज्वाइन कर जाएगा तो 2 पैसे मैं कमा लूंगा, ये सोच के बोल रहे थे कि ये आदमी बहुत अच्छा है, हम दोनों लोग, अगर ये हमारे साथ आ जाए तो हम दोनों लोग मिलकर बहुत बड़ा कमाल करेंगे, इतिहास रच देंगे। आपका इमोशनल स्टेट
पॉजिटिव होना चाहिए, जितना बेहतर होगा उतनी बेहतर तरीके से हम डिलीवरी कर पाएंगे, कम्युनिकेशन हमारा बेहतर होगा और इसका असर पड़ता है, मोशन क्रिएट्स इमोशन। ठीक है, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उसका हमारी बॉडी लैंग्वेज पे, हमारी बातों में, आपको लग रहा होगा कि हम फोन पे बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंतर पड़ता है, फिर भी अंतर पड़ता है। आप कभी करके देख लीजिएगा, कभी आप परेशानी में हो आप बनावटी भी बात करके देखिएगा, और आप नेचुरली जब आप खुश हो और उस समय बात करके देखिएगा, सामने वाले को पता चलता है, सामने वाले को फर्क आपके एक्साइटमेंट का, ये चीजें ट्रांसफर होती हैं। सबसे पहली चीज, हम बेहतर फील कर रहे हो। दूसरी चीज, मेक द कॉल विथ अ स्माइल। हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल खुश होकर, बिल्कुल स्माइल के साथ जब भी हम लोगों से बात करें, चाहे फोन कॉल करें या आमने सामने, बिल्कुल स्माइल के साथ, बिल्कुल खुश होकर हमें लोगों से बात करनी है, अपने प्रपोजल को लेकर उनको इन्विटेशन देना है। योर स्माइल एंड योर स्टेट रीचेज योर प्रोस्पेक्ट मच बिफोर योर वर्ड्स। हम जो शब्द बोलने वाले हैं, जो सेंटेंस बोलकर उनको इन्वाइट करने वाले हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा मायने रखता है हमारी जो इमोशनल स्टेट, जो हमारा जो हाव भाव है, वो आपके शब्दों से ज्यादा मायने रखता है कि आप इस काम को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप इस काम को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं, कितने ज्यादा मतलब दृढ़ संकल्पित हैं, वो चीज बहुत ज्यादा सामने वाले के ऊपर फर्क डालती है। तीसरी चीज को हमको जो फॉलो करना चाहिए इन्विटेशन को लेकर, देखिए छोटी छोटी चीजें लेकिन इसका फर्क पड़ेगा। थर्ड, ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग। जब भी हम किसी से बात करें, चाहे उनको हम उनके घर पे या कहीं पर भी मिलकर बात करें या फोन कॉल पे बात करें, डायरेक्ट मुद्दे की बात नहीं करनी चाहिए, अमूमन सारे लोग करते हैं, हालचाल पूछना चाहिए, क्या है, कैसा है, घर परिवार में कैसा है। देखिए ज्यादातर चांस है, ज्यादातर 99% ये चांस होता है हम सभी लोग को, और क्या हालचाल है, यहीं से बात शुरू करते हैं, और घर परिवार में कैसा है। तो देखिए ये बिल्कुल कॉमन चीज है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सब लोग तो वही बोलते हैं, इसमें क्या खास बात है, लेकिन खास बात है। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं 99% चांस है कि अच्छा ही जवाब मिला, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर किसी के परिवार में कोई ट्रेजडी हुई होगी या कुछ भी ऐसा हुआ होगा या कुछ भी चीजें ऐसी होगी, ज्यादातर चांस है नहीं होगा, लेकिन कुछ भी ऐसी कठिनाई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं अभी कुछ मेहमान आए हुए हैं, बाद में बात करना, अभी ऐसा है वैसा है कैसा है, जो भी चीजें हैं, या अभी डिस्टर्ब चल रहा हूँ, पिताजी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में हूँ, या हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है, तो वहां पर बात आपकी खत्म हो जाएगी, आपका जो आप जो बोलने वाले थे वो खाली नहीं जाएगा। ठीक है, जब अनुकूल परिस्थिति होगी तब आप बोल सकते हैं, तो कभी भी हम जब बात की स्टार्ट करें तो हाल चाल ले लें और घर परिवार में कैसा है, और किसी से भी जब हाल चाल पूछते हैं उनमें आप इंटरेस्ट लेते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, भले ही कितना कॉमन हो लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, ये कम्युनिकेशन स्किल को आपको बेहतर बनाता है। गिव ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक बिल्कुल साधारण और बिल्कुल सही सटीक कॉम्प्लीमेंट, मतलब उनकी प्रशंसा करें। जब भी अगर हमको चाहिए कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे प्यार करें, सामने वाले हमारी बातों को तवज्जो दे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी हम भी कुछ भी इन्विटेशन करना चाहें, उनको ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग के लिए बुलाएं, तो डायरेक्ट मुद्दे की बात न करके हम थोड़ी सी बात करें, हाल चाल लें और कुछ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दें। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या, आप उनसे बोल सकते हैं कि यार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करके मतलब आप ठीक है, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आपसे बात करता हूँ तो मुझे एनर्जी फील होती है, मतलब एक्साइटेड हो जाता हूँ, आप बहुत अच्छे जिंदा दिल इंसान हैं, तो कुछ भी जैसा भी जैसे भी लोग हैं जिनको भी आप इन्वाइट करने जा रहे हैं, आपके कुछ गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जो भी चीजें हैं, तो आप इस तरह यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं आपसे अटैच होंगे और आपका जो काम है उसमें आपको बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा। एवरीबॉडी लव्स ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, बढ़ा चढ़ा के नहीं, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, जो भी रियल है सोचकर सामने वाले को देखते हुए आप कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देंगे एंड अपलिफ्ट देयर स्टेट, उससे सामने वाले का क्या करते हैं, आप स्टेट को अप कर देते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सामने वाले की प्रशंसा करते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है, इससे रिलेशनशिप आपका बेहतर होगा, और आप कुछ भी प्रपोजल रखेंगे तो सामने वाला, ज्यादातर चांस है कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, आप उसको तवज्जो दे रहे हैं तो आपको तवज्जो देगा। अभी देखिए कॉम्प्लीमेंट को लेकर एक हमने बात किया, ये प्रशंसा कितना शानदार है, ये प्रशंसा करना कितना शानदार है, आपको हर जगह, चाहे परिचित हो या अपरिचित हो, हर जगह ये बहुत काम आता है। अब एक छोटा सा टिप्स भी मैं देने जा रहा हूं आपको इनविटेशन को लेकर, कई बार हम लोग सोशल मीडिया को लेकर, हम तो परिचितों की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं,
बहुत सारे लोग प्रतिदिन घंटे दो घंटे जो है फेसबुक वगैरह पे इंस्टाग्राम पे दे रहे होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या परिणाम मिलता है, कितने ज्वाइनिंग लाते हैं या कितने लोगों से परिचय कर लेते हैं, नहीं मालूम। क्योंकि ज्यादातर लोगों की स्टोरी रील्स और ये दुनिया भर के जो एक से एक अजूबे टाइप के बहुत सारी एक्टिविटीज रिकॉर्डिंग छोटे छोटे रहती हैं, ज्यादातर पता ही नहीं चलता कि हमारा कब आधा घंटा एक घंटा छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखने में निकल जाते हैं। देखिए मेरा एक छोटा सा सिद्धांत है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी समझिएगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत मदद करेगा। मैं प्रतिदिन आधे से एक घंटा सुबह और शाम मिलाकर जब भी खाली समय मिलता हूँ, थोड़ा बहुत कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट के लिए ऑन कर लिया, आधे से एक घंटा मेरा जाता है प्रतिदिन सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे देर रात में या सुबह में जब भी। और एक बात ध्यान रखिए, उस एक घंटे या आधे घंटे की एक्टिविटी में मेरा सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है कमेंट देना, सबसे बड़ा काम। मैं मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, चाहे वो टीम में हो या नहीं हो, मेरा एक काम है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे लिए मददगार साबित होता है। फेसबुक के ऊपर खास करके कमेंट मैं आंख मूंद के देता हूँ, मतलब मेरा एक ही धर्म है, कोई भी पोस्ट दिखा बस कमेंट मारो, कोई भी पोस्ट दिखा लाइक और कमेंट मारो। तो अब देखिए क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये किसी को कमेंट देना, कोई भी बर्थडे है शुभकामना दे दिया, कोई भी एक्टिविटी आपकी टीम के लोग हैं, अपरिचित है, दूसरी कंपनी के लोग हैं, और खास करके जो दूसरे कंपनी के लोग हैं या दो भी अदर लोग हैं, आंख मूंद के एकदम थोक के भाव, भाई आपका जा क्या रहा है, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसकी कोई एक्टिविटी थी, उसने कोई बहुत अच्छी मीटिंग की, उसने सेमिनार को भले दूसरी कंपनी का सेमिनार बहुत अच्छा किया, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया, बहुत कुछ भी कमेंट, अच्छा कमेंट, आजकल तो बहुत सारे इमोजी अपने आप बाय डिफॉल्ट वहां शो कर देते हैं, बस उस पर आपको क्लिक कर देना, सेकेंड लगते हैं। लेकिन ये चीजें आपके सोशल मीडिया के ऊपर रेपुटेशन को इतना ज्यादा बनाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, लोग यहाँ कंजूसी करते हैं, समय बहुत ज्यादा देते हैं। देखिए आपको कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप हो या दुनिया का हर आदमी हो, कभी भी आप हमेशा सबसे ज्यादा क्या देखते हैं कि अगर आपने पोस्ट डाला तो आपको कमेंट किन लोगों ने किया, लाइक कोई देखे ना देखे कमेंट दुनिया का हर एक आदमी देखता है कि कितने सारे लोगों ने कमेंट किया, किसने क्या लिखा, किसने अच्छा लिखा, किसने बुरा लिखा, जो भी है, लेकिन जरूर देखता है कि उसको कमेंट किसने किया, उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है ना कि किसी ने कमेंट कर दिया पोस्ट के ऊपर तो उसको समझ लीजिए कि एक तमगा लग गया हो, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंजूसी करते हैं और बहुत अच्छी चीज है, और मेरे लिए एक बहुत शांत, मतलब समझ लीजिए सिंपल और एक बिल्कुल जनरल स्टेप होता है कि अगर मुझे किसी से परिचय करना है या मेरा टारगेट है कि ये लीडर बहुत अच्छा है या अपनी कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनसे मुझे परिचय करना चाहिए, तो मैं लगातार उनके हर पोस्ट पे कमेंट करना चालू करता हूँ। और यकीन मानिए 5 से 6 कमेंट, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है, 5 से 6 कमेंट अगर लगातार किसी भी चाहे अदर पर्सन हो अगर मैंने कमेंट कर दिया तो उनसे मेरी बातचीत स्टार्ट हो जाती है, सामने वाला खुद मुझे अप्रोच कर लेता है, सामने वाला खुद मुझे नंबर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मुझसे नंबर मांग लेता है, खुद मुझे अप्रोच कर लेता है, उसको मेरे अंदर उसको कुछ प्रोस्पेक्ट नजर आने लगता है या जो भी चीजें हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेहतर है कि आप कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करने में कभी भी ना दिखाएं, खास करके जो फ्री का टूल है इसको ज्यादा से ज्यादा आप करके देखिएगा, आपकी चाहे टीम के लोग हों, क्रॉस लाइन के लोग हों, अपलाइन लोग हों, दूसरी कंपनी के लोग हों, कभी भी अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं आंख मूंद के लाइक कमेंट मारिए, आंख मूंद के लाइक कमेंट मारिए, जितने कमेंट डालेंगे आपको भी वो कमेंट देने लगेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, आपकी रिलेशनशिप बेहतर होगी, आपका इमेज बिल्डिंग होगा। एक प्रैक्टिकल छोटा सा चैट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये कल का है, इसमें डेट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डेट लिख रहा होगा 31 फ्राइडे, हाँ ये कल का है, आज सैटरडे है, ये फ्राइडे का है। यहाँ पे एक कोई नेटवर्कर है मेरे साथ जुड़े हुए हैं और किसी कंपनी से है डायरेक्ट सेलिंग के, आप जूम करके देखेंगे तो इनका कंपनी का नाम भी दिख रहा है और अच्छे लेवल पे है, वहां पे उनका कोई चेयरमैन का लेवल है, वहां पे अच्छे लेवल पे है, ठीक है। अब जैसे हमारा डायमंड का लेवल है उस तरीके से, अब उन्होंने, मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले 7-8 लगभग जो है 6-7 पोस्ट पे इनके मैंने कमेंट कर दिया, जब भी ये कोई मीटिंग एक्टिविटी करते हैं मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत अच्छा शानदार सुपर ग्रेट कुछ ना कुछ मैं लिखता रहता हूँ। अब इन बार बार इनका नाम मेरा नाम इनको क्लिक कर गया कि ये कौन आदमी है जो मैं इसको नहीं जानता और मुझे कमेंट किए जा रहा है, ठीक है। तुरंत इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, कहाँ से हैं, मैंने अपने शहर का नाम लिख दिया, फिर इन्होंने लिखा ओके, फिर मैंने उनकी एक प्रशंसा और 4 चांद लगा दिए, एक तो कमेंट करके प्रशंसा कर रहा था, अब यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया इनके मैसेंजर पे, क्या लिखा, आपका पोस्ट देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे इंसान है, सिंपल, कोई अंग्रेजी नहीं, हिंदी में, मैं ज्यादातर हिंदी का प्रयोग करता,
यहाँ पे सिंपल लिखा आपका पोस्ट देखता हूँ, क्योंकि अच्छा आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, ठीक है, पोस्ट को मैं देखते रहता हूँ, बस उसी बातों को लिख दिया, आपका पोस्ट देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे इंसान है। अब देखिए अगले स्टेप में, अगले स्टेप में इन्होंने क्या बोला, थैंक्स सर, मैंने लिखा वेलकम, उन्होंने क्या मांगा मुझसे, कॉन्टेक्ट नंबर मैसेज करिएगा, श्योर, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर मैसेज किया, तुरंत कॉल आ गया। अब देखिए सामने वाले की प्रोस्पेक्टिंग मैं करना चाह रहा था और केवल उनको कमेंट दिए जा रहा था और सामने वाले ने मुझसे खुद कांटेक्ट कर लिया, ये पक्का है, मतलब ये फिक्स फार्मूला है मेरा, इससे बहुत ज्यादा मैं कनेक्टेड होता हूँ लोगों से और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इन्होंने मुझे कॉल करते बोला कि सर जो है आप क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, सर मैं एक कंपनी में हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, अभी मैंने पूछा सर पिछले महीने का पे आउट क्या है आपका, तो 35,000 पिछले महीने का है, ये वो, पहले मैंने 10 मिनट सुन लिया, फिर पूरा मैंने सुन लिया, उसको बहुत अच्छा लगा, फिर पूछा सर आप क्या करते हैं, तो मैं ये करता हूँ, सर कौन सी कंपनी है, क्या प्लान है, तो मैंने कुछ बताया, सामने वाला प्रभावित हो गया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर प्लान का पीडीएफ भेज दीजिए, और सर आप जो बोल रहे हैं कि 6 महीने में इतने इतना ज्यादा आप कमाने, मुझे तो 1.5 साल में 35,000 कमा रहा हूँ, आप 6 महीने में इतना ज्यादा पे आउट ले रहे हैं, आपकी टीम के लोग इतने लोग पे आउट ले रहे हैं, तुरंत तो उन्होंने बोला कि सर पीडीएफ भेज दीजिए और सर जो है हम लोग फिर 2-4 दिन के बाद मैं पीडीएफ देख के बात करता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें कॉम्प्लीमेंट, मेरे कहने का मतलब आज इस सेशन में कहने का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पर भी है लोगों की प्रशंसा करिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। 5th जो स्टेप है, बी इन ए हरी एंड बी स्पेसिफिक। कभी भी इन्विटेशन करना हो तो हमेशा ध्यान रखिए बहुत फुर्सत से इन्विटेशन मत करिए, चाहे आमने सामने बैठकर करना हो, कहीं पे किसी को बुला रहे हो या फोन पे करना हो, हमेशा अपने आप को आपको जल्दी में दिखाना है, कभी भी है ध्यान रखिए, अगर इनविटेशन करना है तो हमेशा अपने आप को जल्दी में दिखाइए। दो बातें होती हैं, पहली बात तो ये कि अगर आप जल्दी में अपने आप को दिखाएंगे तो सामने वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा क्या है, कैसी कंपनी है, क्या प्लान है, जो चूंकि आपको बताना कुछ नहीं है, तो वैसे भी आपको जल्दीबाजी आपको दिखानी है, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे सामने वाला क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागेगा। दूसरी चीज क्या है कि जो लोग अपने आप को थोड़ी जल्दीबाजी में दिखाते हैं, यकीन मानिए उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। आप जब समय को इंपॉर्टेंस देते हैं, यार मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, और भी बहुत सारे लोगों से मिलना है, मैं जो जिस काम के लिए आपको इनवाइट करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी और भी बहुत सारे लोगों से बात करनी है, तो प्लीज आज टाइम बहुत कम है, आप आना मत भूलिएगा, मैं आपको याद दिला दूंगा, जो भी, बी इन अ हरी एंड बी स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर, बिल्कुल स्पष्टता के साथ, बिना कुछ झूठ बना, बिना कुछ बनावटी बातों के, बिना इस बिल्कुल स्पष्टता के साथ, आपको हमेशा अपने आप को जल्दबाजी में, कभी भी इनविटेशन करें तो बहुत लेंथी, बहुत आराम से मत करिए, अगर इनवाइट करना है तो जल्दबाजी में आपको बोलना कि मैं व्यस्त हूँ इस काम को लेकर, मैं बहुत सीरियस हूँ, आपकी सीरियसनेस को झलकती है आपकी सीरियसनेस की, आप कितने सीरियस है इस काम को लेकर। पीपुल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू समवन हु इज इन अ हरी, देखिए ये बिल्कुल मानसिकता है लोगों की, अगर आप जल्दी में हैं तो लोगों को लगता है कि ये इंसान वैल्यूएबल है, ये इंसान टाइम की कीमत समझता है, इसके लिए टाइम महत्वपूर्ण है, ये हमारे जैसे या बाकी लोग के जैसे ये खाली नहीं बैठता, आपकी इज्जत बढ़ जाती है। तो हमेशा इनविटेशन के वक्त, चाहे फोन पे करें, आमने सामने करें, बड़े आराम से इनविटेशन मत करिएगा, हमेशा उस समय वहां पे कम से कम कम्युनिकेशन करने का आपको प्रयास करता है। 6th जो स्टेप है, मेक द इन्विटेशन। अब इसका क्या मतलब है, हमेशा ध्यान रखिए इन्विटेशन का मतलब इन्विटेशन देना है, प्लान नहीं देना, आपको वहां पे डिटेल में बात नहीं करनी, बहुत ज्यादा आपको अपनी चीजों के बारे में बताना नहीं चालू कर देना। इनविटेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल इनविटेशन, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, ये चीजें कर देना, ये इंटीमेशन नहीं देना, सूचनाएं भी नहीं देना, आपको बकायदा उनको उनसे बात करनी है, उनको जो भी अप्रोचेज लगाने, ये जो 6th स्टेप है, जो हमने 7 अप्रोचेज की बात की थी, आपका उनका बीच का रिलेशन कैसा है उसके आधार पे डायरेक्ट अप्रोच, या हमने जो भी रेफरेंस, जो भी अप्रोचेज की हम लोगों ने बात की थी, जो है उनको ओपिनियन अप्रोच, या जो भी चीजें हमने 7 अप्रोचेज को लेकर बात की थी, उस तरीके से आप कोई भी अप्रोच यहाँ पे लगाइए और उनको इनवाइट कर दीजिए। उसके बाद जो है आगे हम लोग बात करें 7th स्टेप में, कन्फर्मेशन, इन्विटेशन इज कन्फर्म्ड ओनली विथ डेट टाइम एंड वेन्यू। कभी भी हम इनवाइट करें तो कंफर्म इनविटेशन तभी माना जाएगा, ऐसा नहीं कि हमने बात किया कि शायद एक प्रोजेक्ट है, एक प्लान है, और जो है आपको उसमें सुनने आना है, और पता चला हमने डेट टाइम और कहाँ आना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन तो किस जगह पे आना है, कहाँ पे मीटिंग हो रही है, कुछ भी आपने नहीं बताया, जो भी बताना है
बिल्कुल स्पष्टता के साथ, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ कि इस तारीख को यहाँ पर इतने बजे मीटिंग हो रही है, इस वेन्यू पे मीटिंग हो रही है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ हमको सारी चीजें वहां पे क्लियर करनी है। हो सकता है तो बेहतर होगा कि आप पहले ही, जैसा कि हमने कल जो है अप्रोचेज में लेकर हमने पहले भी बात की थी, तो उस टाइप का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आप पहले ही आपने क्लियर कर लिया, आपका जो इनविटेशन बहुत परफेक्टली जाएगा। कभी भी किसी को इनवाइट करते समय आप कोई दो दो डेट सेलेक्ट करिए, दो डेट, यानी कि आप वहां पे बोल सकते हैं कि आप संडे या बुधवार को खाली हैं क्या। आपने क्या दिया, दो ऑप्शन दिया, ठीक है, कि सामने वाला भी ज्यादातर चांस है अगर केवल संडे को बोलेंगे तो मना कर देगा, लेकिन हमारा का मीटिंग कब होता है, संडे या बुधवार को, या आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप संडे को रात में या जो है मंडे को सुबह में खाली हैं क्या। आपने ऑप्शन दिया तो सामने वाला जवाब क्या देगा कि हाँ मंडे को खाली हूं या संडे को भी खाली हूं या दोनों टाइम खाली हूं। तो यहाँ पर क्या, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ और उसको जो भी चीजें आपको बतानी है कि इस तरीके से हमारा जो भी अप्रोच आप लगा रहे हैं, इतने बजे इतने घंटे के लिए इतने मिनट के लिए इस जगह पे इतने टाइम पे मीटिंग है, तो बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ पूरी स्पष्टता के साथ आपको बतानी है। उसके बाद जब सारी चीजें आपने इनवाइट कर दिया, पूरी चीजें बता दी, आपने अप्रोच भी लगा दिया और आपने पूरे कंफर्मेशन के साथ जो है आपने सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी, वहां पे कमिटमेंट आपका झलकना चाहिए। कभी भी हम इनवाइट किसी को करें, कमिटमेंट झलक, कमिटमेंट कहने का मतलब क्या है, आप सपोज डेट फोन पे इनवाइट कर रहे हैं किसी को, यहाँ देखिए लिखा हुआ रिपीट, ठीक है, फोन पे इनवाइट कर रहे हैं, आपने कोई अप्रोच लगाया, हाल चाल लिया, दोस्त कैसे हैं क्या है, ठीक है, आजकल तो आपको मैं देखते रहता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, अच्छा मैंने एक काम के लिए फोन किया था, अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ और एक काम के लिए मैंने फोन किया था, और आपको मालूम है ना कि जो है अभी जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, जो है आप भी अपनी सैलरी से संतुष्ट नहीं है ऐसा आपने बोला था, और हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एक सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स जो है सेकेंड इनकम सोर्स को लेकर हम लोग काम करे थे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, उसी पे थोड़ा सा राय मशवरा आपसे करना है, 1 घंटे का समय चाहिए, तो जो है कल इतने बजे खाली हैं क्या, हाँ खाली हैं, चीजें क्लियर हो गई तो ठीक है, इतने बजे कल हम इस जगह पे मिलेंगे, बातचीत हो गई। उसके बाद फोन काटते काटते भी आपने कमिटमेंट मतलब आपने रिपीट कर दिया, तो सर कल याद रखिएगा, आप बोलिएगा, आप बोलिए क्या रिमाइंडर मुझे देना पड़ेगा, आपने इस तरीके से बात की, तो क्या लगता है सर आपको याद रहेगा, पक्का है, रिमाइंडर तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, याद तो नहीं कल सुबह सुबह दिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चीजों को रिपीट करते हैं, अपने उन्हीं शब्दों को रिपीट करते हैं, कल 7 बजे याद रखिएगा, सुबह 7 बजे इस जगह पर, फोन काटते काटते भी आपने बोल दिया, तो क्या होता है ना कि जब इस तरीके से कमिटमेंट, ये आपकी कमिटमेंट को झलकाता है, इससे ये चीजें पता चलती हैं कि आप बिल्कुल आप चाहते हैं कि वो इंसान आए और बिल्कुल आप कमिटेड हैं। वैसे ही आप जो है नॉर्मल नॉर्मल तरीके से आपने इन्वाइट नहीं किया, आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को लगता है कि आप इस काम को लेकर बिल्कुल कमिटेड हैं, और इस तरह से हम जब इनवाइट करते हैं तो सामने वाले को याद भी, ज्यादातर चांस है वो याद भी रखेंगे, रिमाइंडर तो आपको देना ही देना है। 9th और लास्ट स्टेप, कट द फोन विथ अ स्माइल, और जब भी फोन को करें बाय करें ये जो भी चीजें हैं तो बिल्कुल खुश होकर, ठीक है सर मैं बिल्कुल बेसब्री से आपका इंतजार करूंगा कल सुबह इतने बजे। तो इस तरीके से करके हम इन 9 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो हम इन्विटेशन को, कुछ बेसिक्स हैं आप लोग कर रहे होंगे लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपके परिणाम बेहतर आएंगे। एक कुछ बातें और यहाँ पर हैं, दो तीन स्लाइड्स हैं, उसके बाद हमारा ये आज का सेशन खत्म हो जाएगा। ऑलवेज प्रीफर टू टेक अपॉइंटमेंट ऑन फोन, कोशिश करिए इन्विटेशन वाला जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा फोन पर लेने का कोशिश करिए, कभी भी किसी को इन्वाइट कर, जनरली ज्यादातर तो लोग आज ऐसा ही करते हैं, लेकिन कभी भी आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो ये इनविटेशन का काम जो है जितना ज्यादा आप फोन पे करेंगे उतना बेहतर होगा। तो इनवाइट करने का जो भी प्रोसीजर है ये ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें आमने सामने ना मिलकर फोन पे करें, क्योंकि आमने सामने मिलेंगे, चाय पानी होगा, बातचीत होगा, बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, वो पूछेंगे, तो कोशिश अवॉइड करें, कोशिश करें कि इस तरह के इनविटेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के लिए हम फोन पे करें, उनको रिमाइंडर दें, अच्छी तरीके से करें, पूरे इंथुजियाज्म के साथ करें, लेकिन फोन पे हम ज्यादा ज्यादा करेंगे तो आपको इनविटेशन का परिणाम आपको बेहतर मिलेगा। सेट एन अपॉइंटमेंट
डू नॉट एक्सप्लेन द बिजनेस प्लान, हमेशा ध्यान रखना है कि हम इनवाइट करने जा रहे हैं, हमको यहाँ बिजनेस प्लान शो नहीं करना, ये कंपनी है ऐसा है, ये ज्वाइनिंग करनी होती है, इस तरह से हेल्थ केयर प्रोडक्ट होते हैं, इस बीमारी का आता है, कुछ नहीं। इन्विटेशन मतलब अगर बिजनेस प्लान के लिए आप बुला रहे हैं, इन्विटेशन मतलब इन्विटेशन, हम किसी को अपने घर में शादी है किसी को अगर कार्ड देने जाते हैं तो हम ये नहीं बताते कि क्या क्या बनेगा, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से होगा, इतने टाइम पे बारात आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह से हम कुछ नहीं बताते, बस ये डेट है, शाम के समय का कार्यक्रम है, ये डेट है, आपको आना है। तो उसी तरीके से इनवाइट अपॉइंटमेंट लेते समय, इनविटेशन करते समय आपको सिर्फ इनवाइट करना है, कुछ भी एक्सप्लेन आपको नहीं करना है। इनवाइट करते करते ये नहीं कि आप वहीं पे आधी राम कहानी आप वहां पे बता दीजिए, हमेशा इनवाइट मतलब इनवाइट, आप प्लान कर रहे हो, आपका सीनियर कर रहा हो, जो भी हो, वो सारी चीजें उस समय होंगी, उस समय कुछ नहीं बताना। किसी कारण से कैंसिल भी होगा दोबारा इनवाइट करेंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं करना। यहाँ पे एक छोटा सा एक वर्ड दिया हुआ, किस प्रिंसिपल, इनविटेशन को लेकर किस, किसका मतलब क्या है, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमेशा इनवाइट करते समय ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के लिए हमेशा ध्यान रखिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, किस जो फॉर्मूला है, हमेशा इसको छोटा रखना है, कम से कम शब्दों में इनवाइट करना है, बिल्कुल साधारण होकर, बिल्कुल सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल आपको लोगों से बात करनी है, इनविटेशन उतना ही बेहतर होगा। मेंटेन पोस्चर, नेवर एवर लुक डेस्परेट। यहाँ पे देखिए, ये जो अंग्रेजी का शब्द है ना डेस्परेट, हम लोग बार बार यूज करते हैं अपने इस प्रोफेशन ट्रेनिंग्स के अंदर। डेस्परेट का मतलब होता है उतावला, मतलब कई बार क्या होता है ना, जब हम नए देखते हैं तो हम कुछ ज्यादा उतावले हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी आपका बिहेवियर हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि कई बार जब हम लोगों को बुला रहे होते हैं ना, तो जैसे ये लगता है कि हम बुला नहीं रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सर सर आप जरूर आ जाइएगा मीटिंग में, मतलब इस तरीके से हम पोस्चर्स को डाउन कर देते हैं, इस तरीके से इन लफ्जों में हम बात करते हैं, जैसे हम लगता है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ पूरे पोस्चर्स के साथ उनको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर वो जो मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए बुला रहे हैं, तो वो देने वाली भावना नहीं रह जाती, आपको ऐसा लगता है कि आप भीख मांग रहे हैं, मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं, उतावले हो जाते हैं कि बस ये आदमी छूटना नहीं चाहिए। कई बार तो मैं देखता हूं कि लोगों को एकदम परेशान से हो जाते हैं, भाई हो सकता है सामने वाले के साथ इमरजेंसी हो जाए, हो सकता है कुछ लोग ना आए, फोन पे फोन मतलब करते रहेंगे, एकदम उतावले हो जाते हैं, नहीं ना सर आपको आना है, नहीं नहीं इस काम को छोड़ दीजिए, आपको यहीं पर आना है, तो इस तरीके से उतावला नहीं हो जाना, इस तरीके से कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ हमें इस काम को करना होता है, ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर नो फ्रॉम सम पीपल। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमने अभी 9 स्टेप्स को लेकर बात किए हैं, 9 नहीं 90 स्टेप्स लगा दीजिए। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्रेनर, इंटरनेशनली सबसे बड़े ट्रेनर, आप कुछ भी कितने भी फॉर्मूलाज सीख लीजिए, जो सैकड़ों करोड़ रुपए, जो करोड़ों रुपए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो लोग कमाते हैं, आप उनसे भी ट्रेनिंग ले लीजिए, आप उनसे भी मंत्रा गुरु मंत्र ले लीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कुछ लोग तो मना करेंगे, नो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए, 100% कभी नहीं होगा। आप कितना भी, हमने 9 फॉर्मूले नॉन बेसिक की बात की, 90 फॉर्मूले लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोग तो होंगे जो मना करेंगे, कुछ लोग होंगे जो हाँ बोल के भी मीटिंग में नहीं आएंगे, कुछ लोग होंगे जो सामने से भी मना कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं सॉरी मैं नहीं आ सकता, वो एकदम बिल्कुल वो रिजिड है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसको लेकर घबराना नहीं है, इसको लेकर परेशान नहीं होना। जैसे अगर हम बात करें, आज आप इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डॉक्टर नेचर के अंदर 2-4-5 महीने से काम कर रहे हैं, हो सकता है इस बीच में आपको कोई दूसरी कंपनी वाले, भाई आपके बारे में उनको नहीं मालूम, आपने हाल में ही काम शुरू किया है और उन्होंने इनवाइट किया, उसको आपके बारे में ज्यादा नहीं मालूम था, क्योंकि आप भी अभी नए नए शुरू हुए हैं इस कंपनी में, तो उन्होंने इनवाइट किया, भाई उसकी क्या गलती है, उसने इनवाइट किया आपको, वो चाहता है कि आप उसकी कंपनी में जुड़े, उसके साथ जुड़े, वो आपसे भी ज्यादा नया है, लेकिन क्या लगता है आप प्लान सुन लेंगे, ठीक है, ज्यादातर चांस है प्लान, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसके तरीके से आप क्लियर हो चुका है, या उसने बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग है, तो
आप मना ही करने वाले, नहीं नहीं मैं ऑलरेडी एक डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, बल्कि उल्टा आप अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आप ज्यादातर चांस है 99.99% चांस है आपको लगेगा यार उसका प्लान सुन के 1 घंटा क्यों बर्बाद करना, क्यों जाना जूम मीटिंग में, इससे अच्छा मैं अपनी कंपनी का ट्रेनिंग अटेंड ना करूं, आप ना ही करने वाले। तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, तो हमेशा प्रिपेयर रहिए, दिल पे मत लगाइए, ठीक है, अपने ईगो को ठेस ना पहुंचे, हमेशा तैयार रहिए कि कुछ लोग सब हाँ बोलकर, कुछ लोग ना भी बोलेंगे, कुछ लोग हाँ बोलकर भी नहीं आएंगे, कुछ तो लोग मना करेंगे, 100% कभी नहीं होगा। इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम ऑफ योर कॉल, ठीक है, आपको अपने आप को इमोशनली उस हिसाब से एकदम बांध से नहीं लेना, दिल पे नहीं लगाने ना, रिलेशनशिप आपको खराब नहीं करना कि यार ये बार बार मुझसे पैसे मांगता था, इसको जब भी कोई जरूरत पड़ता था मैं मदद करता था, कभी भी कोई जरूरत पड़ता था मैं हमेशा इसके साथ रहता था, इसने मना कर दिया, ठीक है, ये मेरी मीटिंग में नहीं आ रहा है, मैं इससे उम्मीद किया था, ये सब चीजों को दरकिनार कर दीजिए, ये सब चीजों को दिमाग में एकदम से नहीं रखना इमोशनली रिलेशनशिप इस सब चीजों को लेकर। भाई हो सकता है आज समय अनुकूल नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आज आपका समय अनुकूल नहीं है, आज हो सकता है कि वो वास्तव में कहीं पे व्यस्त हो, लेकिन कल हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए। दरवाजे खोल के रखिए, संबंधों को मेंटेन रखिए, बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं करना, रिजिड होकर रिप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि उनको तकलीफ हो जाए, आपका फोन बात होना बंद हो जाए, हो सकता है अभी वो किसी काम में व्यस्त हो, 4-6 महीने के बाद इधर आपकी कुछ अचीवमेंट होगी, उधर उनको पुराने काम में कुछ धक्का पहुंचेगा या पूरा उनको रियलाइज होने लगेगा कि नहीं जो है सुनना चाहिए, तो बाद में वो आएंगे, बाद में वो जुड़ सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को संबंधों पे असर ना पड़े हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग काम कर रहे हैं जुड़ते हैं उनके साथ आगे बढ़िए, पुराने के लिए दरवाजा खोल के रखिए, संबंध हमेशा मेंटेन करके रखिए, ठीक है। इट्स अ नंबर गेम, नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग माइंडसेट की ट्रेनिंग में बहुत जल्दी एक माइंडसेट की भी हम लोग फ्रेशर्स लोगों के लिए ट्रेनिंग करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केट, उसमें हम लोग बार बार बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये जो सेल्स का जो प्रोफेशन है, केवल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया का कोई भी किसी भी टाइप का सेल्स का प्रोफेशन है, चाहे वो ऑनलाइन हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, या जिस भी तरीके का, कोई भी तरीके का सेल्स का प्रोफेशन हो, ये टोटल नंबर्स गेम है। 10 को इनवाइट करेंगे, 7 पॉजिटिवली लेंगे, बोलेंगे आने के लिए, एक्चुअल में 4 ही आएंगे, 4 में से 3 को अच्छा लगेगा, फाइनली 1 या 2 लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 में से 1-2 ज्वाइन करने वाले, कहीं पे थोड़ा बहुत 19-20 होगा, तो अगर हमको 30 को ज्वाइन कराना है तो 30 जो है हमको उसका उसके हिसाब से, अगर 10 में से 2 जुड़ते हैं और हमें मान के चलिए 10 को ज्वाइन कराना है, तो हमको कहीं ना कहीं उसके हिसाब से 50 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग टोटल नंबर्स गेम है, आपने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई हुई है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अप्रोच करते रहिए, कोई आए ना आए, आपकी जूम मीटिंग में आए ना आए, टच में बना के रखिए, रिलेशनशिप कभी भी कड़वा मत बोलिए, रिलेशनशिप को ईगो को बीच में कभी मत लाइएगा, बिल्कुल नेचुरल व्यवहार करिएगा, जैसे उनको लगे भी कि हो सकता है आप नाराज हो गए हो, लेकिन आपका व्यवहार उनको लगा रहे यार ये तो नॉर्मली ले रहे हैं, ये इतनी सीरियसली कहाँ लिए, मैं नहीं गया तो भी नॉर्मली ले रहे हैं, अच्छा लगेगा उनको, व्यवहार को हमेशा पॉजिटिव रखना है। बी ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव अबाउट इंप्लीमेंटिंग एवरीथिंग यू आर लर्निंग इन दिस कोर्स एवरी डे, ठीक है, हमेशा पूरे जुनून के साथ जो भी चीजें बताई जाती हैं ट्रेनिंग्स में उसको ज्यादा से ज्यादा हमको इम्प्लीमेंट करना है, प्रयोग में लाना है, कुछ चीजें काम करेंगी कुछ चीजें नहीं करेंगी, कुछ चीजों से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, कुछ चीजों से जरूरी नहीं कि 100% रिजल्ट आपके अनुरूप ही मिले। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग्स का या कुछ बेसिक्स का मेन पर्पज ये होता है कि आपको जो रिजल्ट आ रहा है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो, मान के चलिए कि अभी तक जो आप काम कर रहे थे बिना ये सब टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए, फिर भी 10 में से 2-3 लोग ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अब इसमें से कुछ चीजें आपको रियलाइज हो गई कि कुछ चीजें मुझसे मिस हो रही थी, अब ध्यान रखूंगा, या आपके पास पॉइंट्स हो गए, आपके टीम में नए लोग आ रहे हैं तो आप इन ये बेसिक चीजें उनको बता सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो जहां 10 में से 2-3 जुड़ रहे थे, अब वहां पे 10 में से अगर 4 भी जुड़ते हैं, 10 में से 5 भी जुड़ते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, आपका क्या है 2 की जगह अगर 4 हो गया तो आपका रिजल्ट डबल हो गया, उतने ही टाइम एनर्जी एंड मनी की इन्वेस्टमेंट में, उतने ही टाइम के अंदर जहां 2 जुड़ते थे आप 4 जुड़ रहे हैं, यानी कि आपको डबल बेनिफिट हो रहा है, आपको डबल प्रॉफिट आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे मैं जो है ओवर करता हूं।